नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर ऑफ इंडिया में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज कुछ जो कंपनी लेकर आया हूँ उसके बारे में बताऊँगा। फंडामेंटल है, सारे स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, तो इसमें फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम ये समझेंगे कि ये कंपनी हम क्यों मिस कर रहे हैं, हमको क्यों बाय करना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। अगर इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 14,000% का रिटर्न है, 14,500% का। अगर लास्ट 5 ईयर का देखेंगे तो करीब 5 ईयर में ही करीब 2,000% का रिटर्न है इसमें। और जब से कोरोना आया तब से तो रॉकेट बन गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक्चुअली ये जो डील करता है वो ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि आपका गुजरात में इसका मेन प्लांट है और महाराष्ट्र और हैदराबाद में। तो ये कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है और इसको खरीदने, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, है ना। तो इसका जो चेयरमैन वगैरह है दीपक चिमनलाल मेहता, तो ये बहुत ही अच्छे गुजराती ये लोग उद्योगपति है। तो इनको कंपनी कैसे चलाना है बहुत अच्छा पता है। तो इनका मैनेजमेंट बहुत शानदार है, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, आप इसको एनालिसिस करके चल सकते हैं। जो सेकंड कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्री। तो आरती इंडस्ट्री भी बहुत शानदार कंपनी है, अभी भी इन्होंने स्प्लिट और बोनस दिया था। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो बहुत ही शानदार चार्ट है, मस्त। अगर इस 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है, 512% का, ठीक है दोस्तों। अगर एक साल का रिटर्न भी करीब 102% का है, तो हर एक साल आपको पैसा डबल करेगा, डबल पर डबल करता जाएगा। ये सारे जो भी स्टॉक बता रहा हूँ हर एक साल डबल पर डबल डबल ट्रिपल भी करता जाएगा, बट 100% से कम का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी तगड़ी कंपनी है। जो थर्ड कंपनी उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ट्रू मैनेजमेंट है इसका। और अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो 200% का रिटर्न दे चुका है, और अगर 5 साल का नहीं दिखाएगा, अभी 1 साल का दिखाएगा, क्योंकि अभी अभी ये मार्च में आया था इसका IPO। तो जिसने भी ख़रीदा है उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और अभी भी कुछ गिरावट है, तो गिरावट में आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, या थोड़ा बहुत आप क्वान्टिटी यहाँ से ऐड करके चल सकते हैं। फिर है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री भी एक आप कह सकते हैं कि एक पाइप फिटिंग वगैरह में एक बाप कंपनी है, जो कि एक्चुअली ये मेन प्लास्टिक कंपनी है, मुंबई बेस्ड। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसमें कई पॉलीमर टाइप का इसका प्रोडक्ट है, प्लास्टिक पाइप ये वो जितना भी ये प्लास्टिक का बनता है सब चीज़ यही सुप्रीम इंडस्ट्री बनाता है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इनका चार्ट है। अगर इनका 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न है इनका, करीब 150% का। अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो भी बुरा नहीं है, 76% का रिटर्न है। तो ये भी बहुत शानदार कंपनी है, इसको भी बाय करके चल सकते हैं। जो आखिरी कंपनी है वो प्रिंस पाइप है। तो प्रिंस पाइप भी बहुत शानदार कंपनी है अपने में, और ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। तो समझ के मान के चलिए कि अभी चलना शुरू हुआ है, और एक इनका बिजनेस ही बहुत शानदार है। अगर इसका आप पूरा चार्ट देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट, तो इनका अभी IPO आया है, लिस्ट हुआ है 3 जनवरी 2020 को। तो अभी करीब 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में आपका जो करीब रिटर्न है वो 350% का दे चुका है। तो आप इस पर भरोसा करके चल सकते हैं, छोटी मोटी कंपनी है अभी, बट ये भी सब लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी धीरे धीरे करके। तो यहाँ से आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस पर आप ध्यान रख सकते हैं, सारे मेरे पोर्टफोलियो में है। आज काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो आप सोचेंगे कि आज रिटर्न दिया है तो वीडियो बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी मैं ये सारे वीडियो बना चुका हूँ इन कंपनीज पे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।